जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आइदर लेफ्ट को सॉल्व करके राइट के इक्वल ले आओ, राइट को सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल ले आओ, या फिर इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, जैसे आपको सूट करे, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाए। ओके, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एक बार और लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है बेटा। मैं इसको ना रैशनलाइज कर रही, हालांकि ये रैशनलाइजेशन नहीं है, प्रोसीजर वही है। जैसे कि नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस साइन ए, जैसे हर का परिमेयकरण करते हैं ना, वही काम करेंगे यहाँ पर। ये 1 माइनस साइन एक्स है, इसको हम 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट साइन के अंदर ये 1 प्लस साइन एक्स और ये भी 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या ये 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर नहीं हो गया? हो गया ना, ये 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर जैसे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है, तो हम उसको एक्स ही तो लिखेंगे बेटा, है ना। ऐसे ही स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स है कि नहीं, अपॉन ये क्या है, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। अब आप मुझे बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, आपको पता है ना फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दूँ तो ये कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल आएगा। देखो मैं एक्स पर पहुँच गई, वो ए में था सम, पता नहीं कहाँ से मैंने ए एक्स लिख दिया, इट इज़ ए, ठीक, सब जगह ए कर लीजिएगा, ए है ये, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया था। चलिए ये हो गया, तो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखो ऊपर क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के बाहर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ चुका है, लेकिन नीचे वाला तो अभी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, है ना। तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए और नीचे हो गया अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर रूट का साइन था, ये इसके ऊपर भी था, ये इसके ऊपर भी था, लेकिन इसके ऊपर हुआ और ये स्क्वायर था तो हट गया, ये रहेगा, है ना। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब होते हैं तो दोनों ही हट जाते हैं, क्या रह गया, केवल कॉस ए रह गया, है ना। अब इसको कॉस ए को अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। बस यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गई। थोड़ी सी यहाँ पर ओवर राइटिंग करनी पड़ी, क्योंकि कब मैंने ए को एक्स बना दिया मुझे मालूम ही नहीं चला, एक्चुअली ये ए रहेगा बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब पार्ट नंबर 7, ये देखो यहाँ लिखा भी है मैंने लेफ्ट में, फिर भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये थीटा में है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इन सबको सॉल्व करके हम टेन थीटा लाएंगे। देखिए बच्चों, ऊपर साइन कॉमन है, इधर कॉस कॉमन है, कॉमन ले लो, ये हो गया साइन थीटा कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं वहाँ भी एक्स लिखने वाली थी, यहाँ से कॉस थीटा ले लीजिए कॉमन, ये क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एनी डाउट, यहाँ तक क्लियर हुआ, ऊपर से मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से मैंने कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन तो आ ही गया, मतलब अगर ये कैंसिल हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को सेम होना पड़ेगा तब ये कैंसिल माने जाएंगे, है ना। तो या तो
मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना दूं या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बना दूं, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ। ये मेरे पास है साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर? अब देखो बच्चों, वही वाली आइडेंटिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी नंबर वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है ना। तो हम साइन स्क्वायर थीटा लेना चाहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये साइन अपॉन कॉस से टेन बना दूँ बेटा, साइड में ये टेन बना दिया, साइन अपॉन कॉस से बन गया टेन। अब न्यूमरेटर में इसको बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं ऐसे वन माइनस टू। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन वाले को चेंज मत करो, किसी एक को करो नहीं तो फिर बात वही आ जाएगी ऐसे। अब टेन थीटा तो हम पहले ही ले चुके हैं। अब देखो बेटा, ये हुआ वन माइनस, टू वन ज़ा टू, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये क्या बन गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए टेन थीटा और वन माइनस टू से क्या बनेगा, वन माइनस टू से बनेगा माइनस वन, है ना, माइनस वन बनेगा ना। और प्लस क्या है, प्लस है टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। हालांकि सेम ब्रैकेट आ चुके हैं, फिर भी मैं एक स्टेप बढ़ा रही हूँ। इसमें टू कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दो और माइनस वन को पीछे लिख दो, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये कैंसिल। तो ये आ गया आपका टेन थीटा, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बस इसके बाद हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड, ठीक। तो हमारे ये दो पार्ट्स भी यहाँ पर सॉल्व हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।